अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। जा रहे थे हम हापुड़, जो कि कुछ ट्रेजेडी हो जाने की वजह से पहले हमें घर जाना पड़ा था। और ये कम से कम 10 दिन पहले का वीडियो है जो कि मैंने शूट करके रखा था। और ये देखे, रास्ते में इतना प्यारा वेदर हो रखा था, बारिश हुई थी रात में और चारों तरफ काफ़ी अच्छी ग्रीनरी थी। और ये देखें, दूर दूर तक कोई मकान, कोई घर, कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। और बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। और ये देखें, एक छोटा सा रोड था जहाँ से हम निकले थे फर्स्ट टाइम, तो ये उधर की साइड से हम पहली बार आए हैं। बट बहुत ज़्यादा प्यारा यहाँ का वेदर लग रहा था और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और इतनी सारी ग्रीनरी के बीच वेदर का मज़ा भी डबल हो जाता है। और अभी भी वेदर कुछ बारिश वाला हो रखा था और ऐसा लग रहा था काफ़ी बादल छाए हुए थे। तो ये देखिए, चारों तरफ दूर दूर तक ग्रीनरी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी हम निकल गए थे सुबह में घर के लिए। एक्चुअली मैं दोपहर ही हो गया था क्योंकि रूट एक साइड का ज़्यादा ख़राब था बारिश की वजह से, जिसकी वजह से हम दूसरी साइड से यहाँ से हम निकले हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रास्ते में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिस वजह से अभी फ़िलहाल हम सीधा जा रहे थे, यहाँ घर नहीं जा रहे थे, सीधा हम जा रहे थे अल्ट्रासाउंड के लिए। तो लेकिन ट्रेजेडी हो गई थी कुछ रास्ते में, तो अभी फ़िलहाल हमें आना पड़ा था घर। और घर पे मैंने अपने बेटे को छोड़ा था और फिर उसके बाद में हम आ गए थे हॉस्पिटल में, जहाँ कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था। यहीं से मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ मोस्टली। और ये हॉस्पिटल हापुड़ में है, सोमती नर्सिंग होम, जो कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड होते हैं। जो कि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी जगह से अल्ट्रासाउंड कराए हैं, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम एक्चुअली में होती है वही सेम रिपोर्ट आपको मिलता है। और हम वेट कर रहे थे अपनी अपने नंबर का, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। और अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमारी मिल गई है। तो रिपोर्ट मिलने के बाद हम आने लगे थे वापस घर के लिए। और घर पे हम रुके नहीं थे ज़्यादा देर, क्योंकि एम्प्टी स्टमक अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए हम वापस जाने लगे थे। अभी फ़िलहाल मुझे भूख लगने लगी थी। और जब हम गए थे तो रास्ते में एक साइड से रोड बिल्कुल बंद था। और ये देखें, जब जल नहीं चढ़ा था और कांवरिया आ जा रहे थे रोड पे, और एक रोड खुला हुआ था और एक रोड बंद किया हुआ था उन्होंने, वापस। और खाना वगैरह शाम का खाने के बाद हम बैठे हुए थे, तो मेरे बेटे ने यहाँ पर थोड़ी सी एक क्लिप ली थी, जो कि हम यहाँ सारे बैठे हुए थे और बैठकर बातें कर रहे थे हम सभी। और मैं लेटी हुई थी अम्मी के पास। और उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था और हम आए हुए थे मेरठ, जो कि और भी मेरे काफ़ी सारे टेस्ट होने थे, तो वो सभी टेस्ट कराने के लिए हम यहाँ आए हुए थे। और एक अल्ट्रासाउंड यहाँ से भी कराया था हमने। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत सारा यहाँ पर टाइम लगा। उसके बाद में हम यहाँ पर एक डॉक्टर के पास आए थे, जो कि मेरठ में ही इनका हॉस्पिटल था, जो कि लेडी डॉक्टर थी और एक सर्जन भी थी। और उसके बाद में हम शाम में आए थे,
हमें 6 बज गए थे आते हुए, काफ़ी लेट हो गए थे हम। और ये मेरे बेटे ने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पर शूट की है बेलकनी से, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तब। ये देखें, और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, और काफ़ी सारे टेस्ट मेरे घर पर भी हुए थे, जो कि सैंपल घर से ही दे दिए थे ब्लड के, तो घर से ही इजीली हो गए थे, मुझे जाना नहीं पड़ा था लैब में। और मेरी सभी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आई थी। और ये हो रहा था रात का टाइम, और जो हमारी एली है ये बाहर आ गई थी, तो उसको हम वापस लेने आए थे। उसके बाद में हम घर आ गए थे, उसके थोड़ी सी वीडियो मैंने यहाँ पर शूट की है। तो योगा मैट लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, जो कि दोनों साइड से डिफरेंट कलर का था और काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और इसी को मैं ओपन कर रही थी, और ये काफ़ी अच्छे से पैकिंग इसकी हो रखी थी, तो इसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रही थी। और ये MM के हिसाब से मिलता है, 4 MM में भी आता है, 6 MM में भी आता है, 8 and 10 MM में भी आता है, बट हमने 6 MM का ये बाई किया था। और ये इको फ्रेंडली था और ये काफ़ी अच्छा था। और अभी फ़िलहाल मैं इस पे योगा कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और ये मैं इसको अच्छे से निकाल रही हूँ, इसका स्टिकर भी मुझे सेफली निकालना था। और इसके बाद में ये इसमें डबल कलर था, जैसे कि एक साइड पे ब्लू कलर है और दूसरी साइड से इसमें पर्पल कलर की एक लेयर है, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था ये, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं था और काफ़ी अच्छा था। और अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।